हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आर्टिक सर्वाइवल एपिसोड नंबर 2। तो आज हम प्रिपरेशन करने वाले हैं स्नो बायोम में जाने की, और वो क्या क्या प्रिपरेशन होने वाली है वो आगे के एपिसोड में, मतलब नहीं इसी एपिसोड में बताऊंगा कि भाई मैं क्या प्रिपरेशन करने वाला हूँ एंड ये सीरीज़ कैसे एंड होगी और कैसे स्टार्ट होगी। स्टार्ट तो मैं बताती स्टार्ट कैसे होगी। अभी मेरे को 15 लेवल चाहिए था स्नो बायोम में जाने के लिए। अभी मेरा 15 लेवल हो चुका है और उस साइड शायद से वो देख रहे होंगे कि सर जो स्नो एरिया है ना वो दिख रहा है उस साइड, तो उस साइड में शायद से मेरा बेस बनाऊंगा, सोचूंगा कहाँ पे कुछ अच्छा हुआ तो। एंड यहाँ पे मुझे कैंडी का मिल चुका है लेकिन पता नहीं कुछ काम का नहीं है, और यहाँ पे स्टोर थोड़ा रिफ्रेश हो चुका है लेकिन स्टोर में कुछ इतना ज़्यादा सामान आया नहीं है, वैसे तो कुछ आया ही नहीं है। तो आज चलो हम करने क्या बेकार चीज़ देते हैं ना, मतलब इतने बेकार जो कभी काम देने। चलो यार ये अपने को स्टैमिना देगी। तो आज के एपिसोड में बताऊंगा कि मैं भाई थोड़ी सी प्रिपरेशन करने वाला हूँ एंड साथ ही साथ एक गेम करने वाला हूँ, और यहाँ पे मेरे को दो असेंडेंट के स्लॉथ बूट एंड पैंट मिला है। ये काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है आप लोगों को, इतना ज़्यादा है नहीं कुछ खास ड्यूरेबिलिटी, लेकिन भाई ये बहुत अच्छा ड्यूरेबिलिटी इसका भी, ऐसा ख़राब नहीं है ये। और यहाँ पे एक कहा चाहिए, ये मैंने लेवल हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है पूरा का 15 एंड रात होने वाली है क्या बे, ऐसा मेरे को लग रहा है कि रात से हो रखी है। एंड यहाँ पे मैं झोपड़ी बना रखी थोड़ी सी क्योंकि ठंड ना पड़े, एंड यही ट्रिक वाली ट्रिक मैं करने जाने वाला हूँ स्नो बायोम में, क्योंकि यार वहाँ पे अगर मेरे को बचना होगा तो मेरे को कुछ शेल्टर चाहिए होगा एंड यही शेल्टर टाइप का मेरे को काम आने वाला है, तो यही मैं बनाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 2। तो आज के एपिसोड में जो जो सामान हमें को चाहिए होगा, मतलब सामान मतलब जो चीज़ें अपने को चाहिए होगी वो मैं बनाने वाला हूँ एंड उसके लिए पहुँचा चाहिए। सबसे पहले तो मैं पैरासोर को टेम करने वाला हूँ क्योंकि मैं टेम्स के साथ ही घुसने वाला हूँ अंदर, एंड बोला बनने की चाहिए मेरे को फाइबर एंड हाइड। ओके तो इनफ है मेरे पास, मैं 23 बोला बना सकता हूँ लेकिन मेरे को चाहिए 5, तो मैं 5 बोला बना लेता हूँ अभी फटाफट से एंड देखते हैं क्या क्या चीज़ बनेगी। हाँ मेरे को एक वाटर स्किन चाहिए एंड मेरे को कपड़े का सेट चाहिए, मेरे को कपड़े का सेट है। मैं शायद से पैंट असेंडेंट वाली बनाऊंगा शायद से, हाँ शायद से नहीं, हाँ पक्का असेंडेंट की बनाऊंगा। उतना फाइबर मेरे पास है, बहुत सारा फाइबर है, तो चलो ये मैं लेता हूँ क्राफ्ट करने के लिए रखता हूँ एक। अब मेरे को टोपी चाहिए, जूते चाहिए, जूते नहीं बनाऊंगा, मेरे को ऑलरेडी असेंडेंट के मिल जाएंगे फिर शूट से। तो चलो यहाँ पे मैं बनाने पड़ेंगे लेकिन कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे बनाऊंगा ये। और चलो तो सारा चीज़ हो चुका है, अभी शायद से बना देते हैं। एंड एक और चीज़ शायद से बनाऊंगा अगर मैं सोचूंगा तो, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं बनाऊँ कुछ बो एंड एरो, शायद से वो अपने को बहुत काम आ सकते हैं एंड हंट डिलफो का मिशन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं अपने को। तो बो एंड एरो बनाऊंगा, एरो के लिए क्या चाहिए फ्लिंट। ओके फ्लिंट है अपने पास, चलो तो कितने बनेंगे ये 4। अबे फ्लिंट है ना इतने, अभी इसके अंदर ही पड़े कैसे बे। ओके तो अभी बना सकता हूँ, अभी मैं बनाएंगे हम इतने नहीं, अपन बनाएंगे 20-30 बनाएंगे, ठीक है 30 बना लेंगे एक एरो। चलो तो ये सब तो रेडी होने वाला है, अभी हम पैरासोर को टेम करने वाले हैं। पैरासोर मैंने ढूंढ के रखा है, सामने बहुत सारे पैरासोर थे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। तो चलो अब लेवल अप भी होने वाला है, 16 लेवल होने वाला है। एंड भाई ब्रूटल हार्ड कोर नहीं है ये, हार्ड कोर प्लस हार्ड है भाई, ब्रूटल में होता तो फट जाता मेरा, सच्ची बता रहा हूँ, ब्रूटल में भाई वाट लगती अपनी भाई, सही बता रहा हूँ। चलो सारा सामान मैं डाल देता हूँ रिसोर्स वापस उसकी जगह पे, एंड अभी कंप्लीट करते हैं अपना पुरशूट जो बोलते हैं उसको, एंड कपड़ा पहन ले भाई तो सबसे पहले, एंड ये टर्न ऑन करते अपना लेस नेकेड, चड्डी तो पहनी हुई लेकिन नेकेड क्यों बोलता है बंदा, मुझको अभी भी नहीं पता। तो चलो ओके तो हमने पूरा सेट पहन रखा है एंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, एंड अपने को लेवल अप भी आ चुका है, नाइस। चलो तो लेवल अप आ चुका है अपने को, एंड चलो ये लेवल हम अभी नहीं डालने वाले लेकिन देखते। ओके पर्पल कलर के असेंडेंट के बूट्स मिले अपने को, ओके नाइस, ड्यूरेबिलिटी इतनी भी खराब नहीं है, इतनी भी अच्छी नहीं है। तो चलो अब फिलहाल के लिए यहीं पे हम कुछ करेंगे एंड देखते हैं अभी क्या कौन सी जगह पे हम रहने जाने वाले हैं। अभी सामान बराबर यहाँ पे रख देते हैं, लेवल अप आ चुका है, इस बार मैं जाऊँगा वेट में क्योंकि मैं बहुत सारा स्टैमिना एंड मूवमेंट स्पीड बढ़ा ली है, तो कोई दिक्कत की बात होने नहीं वाली मेरे लिए। एंड अभी हाँ भाई मुझे पता है डबल टैप करने से ये मारता है बंदा, लेकिन सिखाने की जरूरत नहीं हमको। चलो फटाफट से पैरासोर को टेम करते, जल्दी जल्दी करेंगे पैरासोर को टेम। एंड यही कहीं पे तो पैरासोर था, कहाँ गया, वेट अ मिनट, ये क्या था, अबे क्या हो रहा है, ये नशा हो रहा है कि गेम को, वो रहा पैरासोर। एंड वहाँ पे एक ट्राइक दिख रहा है, रात होने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है अपन दिन को टेम कर ले या फिर नॉक करके रखे, मेरे को समझ नहीं आ रहा पता है क्या। एक काम करते ना भाई, लेवल देख लेते पहले, लेवल क्या शायद 5 लेवल का था, तो 5 लेवल का पैरासोर हम टेम करने वाले। एंड साथ ही साथ मेरे को डिफेंस चाहिए होगा, डिफेंस डिलोफो है ना, तो डिलोफो को हम टेम कर ले। भाई तुमको क्या बोलूँ,
इतना गंदा किस्मत है ना मेरा। अबे अंडा है भाई ये पैरासोर, क्या भाई तेरे को क्या किसी ने कुछ कर दिया है क्या पैरासोर? सुबह से इसने मेरे को पता है 6-7-8 अंडे दे चुका है भाई। तू करता क्या है इतना भाई जो 30 लेवल का है माँ की आँख? तो मैं सोच रहा हूँ कि एक गिल्फो भी टेम कर लूँ, क्योंकि भाई एक बार मैं 3 बार गिल्फो से मर चुका हूँ यार, सही बता रहा हूँ। मतलब बहुत यार क्या कर सकते यार, मतलब किस्मत इतनी फूटी हुई है ना भाई कि डिलोफो से मरना लिखा हुआ है मेरा। तो कॉम्पी से भी मरने वाला था मैं, पहले एपिसोड में तो मरा ही था, लेकिन कोई भी नहीं दूसरे एपिसोड में नहीं मरना मेरे को। तो देखेंगे लास्ट हम लास्ट कहाँ तक सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। और डेथ काउंट अभी तक अपना कितना है, एक रैप्टर से मरे, एक डिलोफो कॉम्पी से मरे, ओके। तो अपना अभी 2 डेथ काउंट है एंड 3-4 गिन के 5 डेथ काउंट है अपना, क्योंकि मैं ऑफलाइन मर चुका था। तो इसमें यार लेवल नहीं मिलता, ये एक दिक्कत है भाई। एंड ट्रैंक करो तो भाई 21 पे खुलता है भाई, तो मैं टीम किससे करूँगा? हेलो भाई गलत सीन हो गया यार ये तो, भाई मैं टीम कैसे करूँगा? तो चलो गाइस अभी रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सो लेता हूँ, बहुत रात हो चुकी है, सही बता रहा हूँ तुमको। चलो तो गाइस सुबह हो चुकी है एंड मैंने सोचा है कि मैं इसको टेम करूँगा अपने स्लिंग शॉट से। तो भाई कुछ था नहीं, मतलब ट्रैंक एरर्स तो मेरे पास था नहीं, आई डोंट थिंक सो ये नॉक होने वाला है, क्योंकि 30 लेवल का है। तो मेरे को एक और आई थिंक बोला उसको मारना पड़ेगा, शायद से तो मारना ही पड़ेगा, लेकिन ये बहुत घुमाने वाला है अपने को, ऐसा मेरे को अंदर से फील आ रहा है। चलो देखते गए अभी कितने गोज में या फिर कितने स्टोन में टेम होने वाला है। तो चलो बारिश को भी अभी आना है भाई साहब, तो इसको पहले स्लिंग शॉट से भी कंटिन्यू मारते हैं अपन एंड देखते हैं भाई ये कितने में नॉक होता है। अभी तो भाई कंटिन्यू में मार रहा हूँ इसको, लेकिन पता नहीं कहाँ तक ये भाई भाग जाएगा, मेरे को लग रहा है इसके हेल्थ भाई बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, इतनी भी नहीं जा रही लेकिन काफ़ी हद तक डाउन जा रही है। तो चलो देखते हैं कि कब तक ये नॉक होने वाला है एंड ओके। तो गाइस फाइनली ये नॉक हो चुका है, मेरे को लगा था भाई इसको फिर से बोला मारना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं इसका फूड लेवल थोड़ा डाउन होने देता हूँ, उसके बाद ही इसको मैं कुछ खिलाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को इसको जल्दी जल्दी टेम करना है। तो जल्दी जल्दी टेम करने के लिए इसका फूड लेवल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उतर भी रहा है। तो चलो अभी ये तो हो जाएगा थोड़ी देर में टेम एंड अपने को एक और फिर शूट कंप्लीट करना है, वो हम करके आएंगे। हन डिलोफो का फिर शूट है वो हम करके आएंगे, तब तक तो ये टेम हो जाएगा आई थिंक सो। एंड देखते हैं भाई इसको कोई मारने के लिए यहाँ पे ना हो। अच्छा ये जोन में भाई रैप्टर नहीं है, तो भाई रैप्टर होते तो भाई बहुत दिक्कत होती। तो चलो अभी क्या करते हैं अपन, अभी वेट करते हैं भाई इसका भूख लगे, तब तक अपन मिशन कंप्लीट करके आते हैं, देखते हैं भाई सुबह तक इसका क्या हाल होता है। तो भाई सुबह हो चुकी है एंड यहाँ पे मैं इसको नार्को ब्रिज खिला दिया है एंड मेजू ब्रिज भी खिला दिए, ओके। तो टीम तो ये 4-4 ऐसे हो रहा है, 16, 20, 24, 28 भाई ये 4 के टेबल से टीम हो रहा है, मुझे नहीं पता भी कितना होएगा ये। 36 हुआ है, ओके 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 ओके, कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, हो जाएगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, रहने दो। तो चलो अब ये गाइस अटकेगा 72 पे, तो चलो ये 72 पे अटक चुका है, अभी देखते हैं ये कितने देर में टीम होने वाला है। तब तक अपन मिशन करके आते हैं हन डिलोफो का और उससे लेके आते हैं असेंडेंट का वो जो पे थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे सकता है। एंड ये रहा मैंने चालू कर दिया एंड देखते हैं भाई कहाँ कहाँ अपने को डिलोफो दिखाता है एंड उसको मार के अपन करते हैं मिशन कंप्लीट, लेट्स गो गाइस। तो गाइस यहाँ पे डिलोफो है वो किसी मॉसशॉप को मार रहे थे ये देखो, तो यहाँ पे 2 डिलोफो जो मॉसशॉप पे अत्याचार कर रहे हैं, तो इनका बदला हम लेंगे। चलो मॉसशॉप की टीम करेंगे, अभी मॉसशॉप को टीम करना चाहिए, वो बेरीज अपने लिए कलेक्ट करेगा। तो चलो अभी भाई 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 दूर रहो मुझसे, दूर रहो तुम, तुमने मुझे पिछले बार मारा था बहुत गंदा वाला दोनों मिलके, इस बार मैं तुम्हें मारूंगा बहुत गंदा वाला। तो चलो गाइस अभी इसको देखते हैं कि कितना, ओके एक मर चुका है, चलो ये भी मरने ही वाला, ओह गया, नाइस 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 नाइस। तो गाइस ये खत्म हो चुके हैं एंड इससे हम करने वाले हाइड एंड देखने वाले मेरे को बदला कायम रहे, मेरा बदला हो चुका पूरा भाई। इन दोनों में कोई इतना गंदा मारा था ना भाई, सही बता रहा हूँ भाई, इतना गंदा कोई नहीं मारता, सही बता रहा हूँ इतना गंदा मारता। अभी देखते यहाँ पे एक और डिलोफो का सर्च का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन चलो देखते यहाँ वहाँ अपने को मिलता है तो ठीक रहे, तो क्या कर सकते हैं। वहाँ पे कार्बोनिमीज है, यहाँ पे डिलोफो नहीं है, डिलोफो एक सेकेंड पत्थर पर चढ़ के देखने, ऊपर नहीं है यहाँ पे कोई डिलोफो। तो गाइस अभी एक काम करते हैं उसको ढूंढते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ, क्योंकि भाई ये दिखने से रहा नहीं भाई, कहाँ होगा भाई कहाँ मुझे नहीं पता। तो भाई यहाँ पे देखो ये भी फिर से मॉसशॉप पे अत्याचार करता हुआ, तो भाई सबको मॉसशॉप पे क्यों अत्याचार करना है भाई, कॉम्पी पे करो ना, ओके ये गया। तो भाई फाइनली इसका भी हंट कम्प्लीट हो चुका है, अभी अपने को करना है क्या, हंट मेगा पिराना भी नहीं करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, अपने को असेंडेंट वो मिल चुका है।
71 डैमेज भाई, कुछ ज्यादा कम नहीं दे दिया तुम लोगों ने 71? चलो ठीक है, अभी चलते हैं, देखते हैं भाई क्या होने वाला है और क्या होगा इससे, क्या ये अपने को बचा पाएगा या नहीं, देखते हैं। तो गाइस अभी ये घड़ी आ चुकी जो हम स्नो बायोम में जाने वाले हैं, एंड सारा सामान बोरिया बिस्तर लेके हम स्नो बायोम में प्रवेश कर चुके हैं। ये देखो स्नो बायोम आ चुका है गाइस, आर्कटिक सर्वाइवल का ये पहला एपिसोड होना चाहिए था लेकिन दूसरा एपिसोड है, तो देखते भाई स्नो में कैसा हाल होने वाला है अपना। एंड ये देखो ये पूरा स्नो बायोम ही है, जस्ट थोड़ा बहुत मिला जुला है अपने लैंड एरिया से, लेकिन सामने पूरा का पूरा स्नो बायोम है। एंड गाइस चलो अभी मैं एपिसोड को इधर ही एंड करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड यहाँ से कंटिन्यू होगा, कि इससे आगे क्या हुआ और क्या क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर मैं मरता हूँ तो लेवल मेरे हो जाएंगे रीसेट, मतलब सिर्फ मेरे को 9 लेवल मिलेंगे, पता नहीं क्यों लेकिन मिलेंगे। तो चलो गाइज आज के एपिसोड के लिए इतना ही, अगर आपको पसंद आ चुका होगा लाइक सब्सक्राइब शेयर हो जाना चाहिए, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सब्सक्राइबर्स गेम होने वाले हैं। तब तक के लिए गाइज मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। We'll be right back.